Hi, I'm Kritika Desai. Hi, I'm Rohit Purohit. And you are watching us on eTimes TV. हाँ, तो मैं इस शो में गौरव का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैं गहना का किरदार निभा रही हूँ। देखो, गौना तो एक प्रथा है, मतलब गौना शो में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौना ही दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट गौना तो होना ही बड़ा मुश्किल है, तो गौना तो एक प्रथा है और वो शो का एक बेस है। लेकिन इस शो के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौना देखने को मिलेगा, इस शो के अंदर इन किरदारों की जर्नी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी स्टोरी किरदारों से बनती है, तो उन किरदारों का ज़िंदगी में क्या होता है, और जैसा कि आपको पता ही है, जैसे गौरव और गहना बचपन के दोस्त थे और फिर उनकी शादी हो जाती है बचपन में ही, लेकिन गौना नहीं हुआ है। तो गहना है वो अपने गौना का वेट कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो गौरव के साथ रहे। गौरव भी उसको बहुत पसंद करता है, उसका बहुत उसको बहुत अच्छी दोस्त मानता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कुछ यू नो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, जहाँ पे जिसको वो जो पूरी करनी है, उसके कुछ सपने हैं, तो जो हर एक छोटे शहर के लड़के या लड़की किसी के भी होते हैं, तो वो अपनी उस जर्नी पर निकला हुआ है। और गौरव गहना जो है वो उसका इंतज़ार कर रही है। अब गौरव तो आ नहीं पाता, जैसा आपने प्रोमो में देखा, गौना कराने के लिए, तो फिर गहना आती है और फिर इन दोनों की और बाकी सारे किरदारों की जर्नी और आगे जाती है। जी बिल्कुल, हमारी शुरुआत दुल्हन के अवतार से हुई होती है और उसके बाद हम इस गेटअप में आते हैं। तो थ्रू आउट द शो, जी बिल्कुल, कुछ समय के लिए तो यही होगा जब तक गौरव अपनी गहना को स्वीकार ना ले और शायद उसे थोड़ा सा यू नो मॉडर्न ना बना दे या कुछ उसे जैसी पसंद है उस वेस में ना ढले। तो जी हाँ बिल्कुल, फ़िलहाल तो यही है आपकी गहना। जी नहीं, मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता एंड ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं आती इनसे कि यार ही इज़ सीनियर, ही इज़ मोर वेरी फ्रेंडली एंड ही इज़ रियली अ नाइस जेंटलमैन। खैर, इनके साथ शूट करने का इतना मौका नहीं मिला है हमें। अब हम आगे जैसे जैसे करते जाएंगे तो कोशिश करेंगे कुछ सीखने मिले आपसे। या एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी, मैं एक साल से टेलीविज़न से ब्रेक पर थी, तो मैं कुछ ऐसा ही किरदार करना चाहती थी जो बड़ा ही चैलेंजिंग हो, जो हटके हो। और मुझे करना था कोई ऐसा एक लीड शो जिसमें बहुत सारी चीज़ें यू नो वेर आई कैन पोर्ट्रे इट, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, ना कि एक नॉर्मल डेली सोप हो, नॉर्मल घर घर की कहानी हो और उसमें हम नॉर्मल काम करें। ये गौना शो और ये लीड किरदार मेरे लिए बाकी सारे ही किरदारों से इतना अलग इतने सालों से इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई सास बहू वाला ड्रामा नहीं है। दूसरा, ये ऐसी कोई नहीं है जो बस इसका और गौरव का रोमांस दिखाते रहे, ये उसके पीछे भागे या गौरव उसके पीछे भागे, बिल्कुल नहीं। गहना है, उसके ड्रीम्स है कि वो गौना उसका हो, गौरव उसे ले जाए, उसके साथ प्यार से रहे, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले जितने हर्डल्स आते हैं, जितने चैलेंजेस वो फेस करती है, तो वो अकेले सिंगल हैंडेडली वो फाइट भी कर रही है, वो बच्चों को पानी नदी तालाब में कूद के बचा रही है, गुंडों से लड़ रही है। इस पूरी जर्नी में शुरुआती में ही उसका गौना का दिन है और उसी दिन वो अपने बाप को खोती है, उसके बाप का मर्डर हो जाता है। तो ये जो सारे इमोशंस जो वो कैरी करके आगे जाती है, ये मेरे लिए ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब हमें सुनाई गई थी नरेशन के वक्त, तो दैट वाज रियली फैंटास्टिक फॉर मी। और मुझे तो ऐसा ही कुछ चाहिए था, तो मुझे कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं था ये सुनने के बाद। मेरा टेक यही था कि हाँ चलो करते हैं, लेट्स डू इट। यार जब मैं मुझे ये शो का ऑफ़र आया था तब मैं उडारियाँ कर रहा था और बात ये चल रही थी कि मैं शायद कंटिन्यू करूँगा उडारियाँ या फिर छोड़ दूँगा या सब चीज़ें। लेकिन इनफैक्ट जब मैं उडारियाँ कर रहा था तब मुझे किसी और के थ्रू पता चला था कि ऐसा कोई शो बन रहा है, और मैंने उस बंदे को सजेस्ट किया था कि इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर, यू शुड डू इट। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे हिस्से में आ जाएगा, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उडारियाँ में भी मैंने छोड़ा और तब भी ये शो की कास्टिंग हुई नहीं थी। तो मुझे स्टोरी इसकी इतनी पसंद आई थी, मुझे सब लोग पूछते हैं कि क्या रीज़न है ये शो ज्वाइन करने का, तो सबसे बड़ा इसका रीज़न यही था कि
इसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट थी जो मैंने अभी तक किया है. मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो मोस्टली बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स रहे हों, चाहे वो हिस्टोरिकल शोज़ हों या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सीरियस कैरेक्टर्स रहे हों. जैसे धड़कन का मेरा जो डॉक्टर विक्रांत का कैरेक्टर था वो भी बहुत ही सीरियस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था. दैन पोरस में भी आप ले लो, अलेक्जेंडर भी बहुत ही उडारियाँ वाला कैरेक्टर भी. तो ये वाला कैरेक्टर ऐसा है जो कि एक कमिंग ऑफ एज जो कैरेक्टर होता है ना, जहाँ पर जिसके जो शुरू करता है और ऊपर तक पहुँचता है. तो मेरे को वो जर्नी जीने को नहीं मिल रही थी और वो इस शो में मुझे मिल रहा था कि मैं वो जर्नी जी पाऊँ जहाँ शुरुआत से लेकर लास्ट तक. और दूसरी चीज़, क्योंकि गौरव के जो सपने हैं वो सपने मुझसे बहुत रेजोनेट करते हैं और हर एक छोटे शहर के लड़के या लड़की से ज़रूर करते हैं, तो वो स्टोरी को जीने का एक मौका था. तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ऐसे शो को आप ना करो. मेरा भी एक एक्चुअली किस्सा था, आई वुड लाइक टू शेयर. जब ये शो ऑफर हुआ था हमें, तो उसके 5 दिन के बाद ही मैं जा रही थी UK और मैं एक फिल्म के लिए जा रही थी. आई एम सो सॉरी बट आई थिंक आई एम वर्थ द वेट. जी, तो शायद ये शो हमारी किस्मत में था, इसलिए आज आप हमें मिल रहे हैं गहना के रूप में. क्योंकि इतने उतार चढ़ाव आए थे, लाइक UK जाने के 5 दिन पहले ही मुझे ये शो ऑफर हुआ था और कहा गया कि आप ये करिए और आप मूवी छोड़ दीजिए. एंड देन आई वाज लाइक, मूवी तो मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि वीज़ा ऑलरेडी सारी चीज़ें काफ़ी हो चुका था और एंड मोमेंट पर छोड़ना भी बेटर नहीं है. तो खैर मैं गई और पहुंची, तब कहा गया कि ओ आप नहीं कर सकते हमारे साथ शो, आप गहना नहीं है हमारी. फिर हुआ कि अच्छा नहीं ठीक है, आप है गहना, आप आ जाइए करके ये वो. फिर आने के बाद हमने हमारा फर्स्ट प्रोमो किया एंड मे बी इट वाज इन डेस्टिनी. सो देखो, ऐसा थॉट मेरे दिमाग में तो नहीं आता कि, क्योंकि जो शो होता है वो उसको लिखना और उसको बनाना मेकर्स का काम है. हम लोग तो सिर्फ उसके किरदार हैं, वो चाहे आप छोटा किरदार करो या बड़ा किरदार करो, हमको सिर्फ उतना ही काम करना होता है. हाँ, ऑफ कोर्स ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना 100% दें, जो प्रोड्यूसर या जो मेकर्स हमसे चाह रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हो. उसके अलावा मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कभी TRP के बारे में, या इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को जो मेरा कैरेक्टर है वो लोगों को पसंद आए, और मोर देन द कैरेक्टर उन लोगों को पोर्ट्रेयल पसंद आए. कि यार जो कैरेक्टर, कितनी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स की वजह से भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मर जाते हैं. तो मेरा काम ये होता है कि मैं जो भी मुझे कैरेक्टर मिला है उसको अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी में करूं और उसको इंटरेस्टिंग बनाऊं और ऐसा कैरेक्टर हो जो लोगों से रिलेट कर पाए. तो कितने सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो रिलेटेबल नहीं होते, बट मैं कोशिश करता हूं कि उनको भी मैं रिलेटेबल बनाऊं. और मुझे लगता है वही एक है ना, एक किसी भी कैरेक्टर की सक्सेस का मंत्र होता है कि आप जो कैरेक्टर रिलेटेबल नहीं है उसको भी आप इस तरह से परफॉर्म करो कि लोग उससे रिलेट करने लग जाएं. जैसा कि पोरस में हुआ था, अलेक्जेंडर का जब कैरेक्टर था तो सब लोगों ने पहले बोला था बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है, ये है वो है, बट मुझे एक भी रिव्यू थ्रू आउट द शो, 5 मतलब आई डोंट नो कितनी कंट्रीज़ में वो टेलीकास्ट हुआ, 5वां उसका YouTube पे भी जो उन्होंने आया, वो 5 अलग अलग शो बनकर वो आ चुका है, बट मुझे एक कमेंट भी ऐसा याद नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है. बिकॉज मैंने उसको प्ले बहुत दिल से किया था और उसकी लाइफ को बताया था कि वो वैसा है तो वैसा क्यों है. तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए. हाँ, ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट जितने भी लोग प्रोमोज देख रहे हैं, वो जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं गौना क्या होता है. तो ऑब्वियसली कभी कोई शो आता है तो लोगों को उसके बारे में पता तो चलता ही है. तो डेफिनेटली वो तो जितना आप लोग शो देखेंगे और जितना उनको रिलेट तो करेंगे डेफिनेटली. जी, रिलेट तो बिल्कुल करना ही है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ तो आती ही है. तो उससे आप कैसे बाहर आते हो, कैसे अपनी स्मार्टनेस दिखाते हो, कभी अपना बल दिखाते हो तो कभी बुद्धि दिखाते हो, वो भी हमने दर्शाया है. एंड यू आर राइट, आज के ज़माने में लोगों को नहीं पता है कि गौना क्या है, तो कहीं ना कहीं ये एक इन्फॉर्मेशन भी जा रही है एंड इट इज़ अ वेरी नाइस सोशल मैसेज ऑल्सो. गौना हमारे लिए देखें, गौना ये प्रथा को जानने के लिए देखें, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रथा को मानो और इससे आप अग्री करो, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत अलग है. तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जो आज हो रहा है वो गलत है या जो पहले हो रहा था वो सही है, बट एक प्रथा थी तो थोड़ा हिस्ट्री या पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा. उसके अलावा गौना आप सिर्फ गौना प्रथा के लिए मत देखिए, गौना गौरव और गहना की कहानी है, इन किरदारों की जर्नी है जो गौना से शुरू होती है और उसके बाद बहुत बहुत आगे जाती है. तो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट गौना, ये पूरा शो सिर्फ गौना नहीं है,
ये इस शो का कॉन्सेप्ट गौना से शुरू होता है, इसलिए शो का नाम गौना है। और वो जो गौना के जो दो किरदार है ना, उनकी ज़िंदगी की कहानी है, तो इसलिए आप ज़रूर देखें। और दूसरी बात, हमेशा जैसे हम बोलते हैं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तो हम कुछ जितना भी थैंक यू बोले उतना कम है, लेकिन जस्ट कीप लविंग अस। और एक नई स्टोरी है, नए किरदार हैं, उसको देखने के लिए आप लोग ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं, हमें पता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि गौना शो आ रहा है, और या स्प्रेड द अवेयरनेस कि ये शो देखें। या प्लीज़ प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है, हम जो बोलना चाहते थे हमारे गौरव ने तो सारा ही बोल दिया, तो बस देखते रहिए और प्यार दीजिए हमें। जय भोलेनाथ।